मुकुल गैरेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है भाई। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई, जैसे हम अपनी कार की सर्विस करवाने जाते हैं तो जो हमें सर्विस मैनुअल होता है उसमें चीजें लिखी होती हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे 10,000 किलोमीटर पे ये चीजें चेंज होनी है या 50,000 किलोमीटर पे ये चीज चेंज होनी है। तो ये सारी चीजें हमारे सर्विस मैनुअल में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो भाई इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे कि अपने सर्विस मैनुअल को कैसे चेक करें, कैसे हम ये चीजें पता लगाए कि भाई कहाँ पे हैं और कितने टाइम पीरियड में कौन सी चीज चेंज करवानी है। तो ये भाई सर्विस मैनुअल है अपनी शिफ्ट की, तो इससे थोड़ा आइडिया लेते हैं। आप जैसे आप कार लेते हो तो भाई उसके साथ आपको एक ऐसी सर्विस मैनुअल कह लो या ओनर मैनुअल कह लो, कुछ भी कह लो, तो इसमें आपकी कार से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। कार का कहीं ब्रेक डाउन होता है हो जाए तो उससे रिलेटेड बेसिक चीजें होती हैं इसमें अवेलेबल, और आपके मेंटेनेंस रिलेटेड कार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स सारे उससे रिलेटेड, तो इस टाइप की सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आज ये देखते हैं भाई कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है कि हमें अपनी सर्विस पे कितने टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें चेंज करवानी है और रिप्लेस क्या करवाना होता है, इंस्पेक्ट क्या करवाना होता है, क्योंकि भाई कई चीजें ऐसी होती है जो टॉप अप करवानी होती है जैसे कूलेंट वगैरह होगी, कई चीजें होती है कंपनी रिकमेंड करती है कि रिप्लेस करवानी होती है जैसे एयर फिल्टर वगैरह हो गया, इंजन ऑयल हो गया, तो इस टाइप की चीजें भाई कौन सी चीज कितने टाइम पीरियड में चेंज करवानी होती है और मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड करता है, तो वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो पता है कि भाई सबको कि अपना सर्विस मैनुअल देख के जाना चाहिए सर्विस करवानी है और इसमें जो सारी चीजें वो करवानी चाहिए, बट इसमें ढूंढे कैसे वो चीजें, इसमें पता कैसे लगाएं कि वो चीजें कौन सी और कहाँ पे मिलेंगी, तो वही देखते हैं भाई आज। जैसे हम ओपन करेंगे इसको तो ये थोड़ा जैसे स्कूल की बुक्स में होता था, फिर ये कार की इन्फॉर्मेशन है कुछ, ये फर्स्ट थ्री सर्विस भाई तीनों हो चुकी है अपनी, ये फर्स्ट सेकेंड, ये जो साइड का होता है इसका वो शोरूम वाले अपने पास ही रख लेते हैं। तो ऐसे ही अब भाई ये देखो, ये जैसे कंटेंट्स की टेबल है, कंटेंट्स हो या इंडेक्स हो या इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं, तो इसमें देखो हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल रिकमेंडेशन, आपकी कार कौन सा फ्यूल पे चलेगी, जैसे कि किसी जैसे प्रीमियम फ्यूल चाहिए आपकी कार को या नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि भाई नॉर्मल कार्स में भी ये सोचते हैं कि ये प्रीमियम फ्यूल डलवाऊंगा तो माइलेज ज्यादा देगी या और कुछ पिकअप बढ़ जाएगा, इस टाइप की चीजें, तो वो सारी चीजें भाई इसमें पहले मेंशन होती है कि आपको क्या किस टाइप से अपनी कार के लिए फ्यूल डलवाना है। फिर उसके बाद भाई ड्राइविंग से पहले क्या क्या अपनी कार में चेक करना है, आपको ऑपरेट कैसे करना है अपने व्हीकल को, स्टार्ट कैसे करें, ब्रेक कैसे, ड्राइविंग टिप्स और इक्विपमेंट जैसे भाई अपना फ्यूज बॉक्स वगैरह हो गया उस टाइप की कुछ चीज़ें, व्हीकल लोडिंग टोविंग की, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, एमरजेंसी सर्विस, अपेरेंस केयर, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, सर्विस नेटवर्क। तो ये भाई इनमें से जो आज हमें चीज़ देखनी है अपनी वो देखनी है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। तो ये 7 है, 7 पेज नंबर नहीं है भाई, ये 7th यूनिट है, जैसे अपने स्कूल की बुक्स में होता था ना 7th यूनिट चैप्टर उस टाइप से, तो ये 7th यूनिट है। तो अभी देखो नीचे जैसे आपको इस टाइप से लिख जाएगा 2 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 2nd यूनिट है बिफोर ड्राइविंग, तो इस टाइप से हमें 7th यूनिट पे जाना है। 3, 5, ये जी भाई, भाई हम अपना 7th यूनिट पे पहुंचेंगे। तो ये देखो जैसे पेज मोड़ा हुआ है मैंने, ये वाला पहले चेक किया था मैंने एक बार, तो इसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, मेंटेनेंस शेड्यूल, पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल और ये ड्राई बेल्ट, इंजन ऑयल, एयर क्लीनर, इस टाइप की सारी चीजें जो इक्विपमेंट होते हैं आपके वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज से देखिए तो भाई इस पे कुछ वार्निंग्स दी हुई है, तो देखो ये इसमें देखो ये जैसे कि लिखा हुआ है भाई, ये जो सामने आपको टेबल मिलेगी इस पेज के बाद, तो ये टेबल रीड कैसे करनी है उससे रिलेटेड लिखा हुआ है। अगर सी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है भाई क्लीन, अगर आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है रिप्लेस और चेंज, आई लिखा हुआ है तो इंस्पेक्ट, क्लीन, एडजस्ट, लुब्रिकेट या रिप्लेस, जैसा भी शोरूम वाले आपको रिकमेंड करे उस टाइप से करवा लेना। और भाई एल लिखा हुआ है लुब्रिकेट, टी लिखा हुआ है टाइट करना है उसको, और ओ लिखा हुआ है तो रोटेट करना है। रोटेट भाई क्या होते हैं, अपने टायर होते हैं, टाइट क्या होते हैं, नट वोल्ट होते हैं भाई, और ये लुब्रिकेट क्या होते हैं, ये सीट का लेदर हो गया, ग्रीस वगैरह होगा कार में तो लुब्रिकेट होता है, रिप्लेस चेंज आपको पता ही है भाई, इंजन ऑयल और ये कूलेंट ये सब हो गए, क्लीन हो गया भाई अपना एयर फिल्टर क्लीन करते हैं कई बार, कैबिन एयर फिल्टर होता है जो एसी वाला। तो अब देखो भाई तो ये इस टाइप से रीड करना है भाई, देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि इनका क्या मतलब है, अभी देखते हैं रीड कैसे करना है। तो ये हम नेक्स्ट पेज खोलेंगे भाई अपना इस, तो ये नेक्स्ट पेज पे भाई जैसे अपना दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ अपना वाटर पंप, वाटर पंप का क्या है भाई, हमें 20,000 किलोमीटर पे इंस्पेक्ट करवानी है, देखो उससे पहले कुछ नहीं इसमें डॉट 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 है, उसके बाद 20,000 पे इंस्पेक्ट करवानी है, 40,000 पे इंस्पेक्ट करवानी है, 60 पे करवानी है और 80 पे सीधा रिप्लेस करवानी है।
तो इस टाइप से सारे पार्ट्स के लिए दिया होता है। जैसे कूलेंट की बात करें तो भाई ये हमें हर सर्विस पे इंस्पेक्ट करवाना है, 20,000 पे रिप्लेस करवाना है, फिर 40 पे रिप्लेस, 60 पे रिप्लेस, 80 पे रिप्लेस। और भाई अपना इंजन ऑयल तो हर सर्विस पे रिप्लेस होता ही है, हर 10,000 पे। उसके बाद इंजन माउंटिंग इंस्पेक्ट होती है 10,000 पे, और उसके बाद ये रिप्लेस नहीं होती भाई 80,000 तक। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंजन माउंटिंग रिप्लेस नहीं होती भाई, ये उसके बाद होती है 80। ये इसी टाइप से भाई ये देख सकते हो आप सारी चीजों का होता है भाई इसमें। ये देखो भाई क्लच पेडल की प्ले इंस्पेक्ट होती है हर सर्विस पे। आपको ये सारी चीजें देखनी है भाई, इन पे आई लिखा है, तो आपको हर सर्विस पे जाके सारी चीजें खुद बोल के उनको इंस्पेक्ट करवानी है कि भाई इनको चेक करो, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आपको घर से देखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, आपकी नई कैसी थी और अब कैसा वर्क कर रही है, तो वो सारी चीजें आपको खुद चेक करनी है भाई थोड़ी बहुत। ये एयर क्लीनर का देखो, ये थोड़ा ज्यादा ये स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। अगर आपकी डस्टी कंडीशन है तो आपको हर 2,500 किलोमीटर पे वो करवाना है, साफ करवाना है, और 40,000 पे चेंज करवाना है। अगर और ज्यादा डस्ट की कंडीशन है आपकी तो उससे पहले ही आप रिप्लेस करवा लेना। ये ट्रांसमिशन ऑयल भाई उस टाइप से हर सर्विस पे इंस्पेक्ट होगा। ड्राइव शाफ्ट की नॉइस चेक होगी हर सर्विस पे, ये भी। ब्रेक फ्लूइड भाई हर सर्विस पे इंस्पेक्ट होगा, 20,000 पे रिप्लेस होगा, 40,000 पे। ये जो RR दिया हुआ है ऊपर, ये किलोमीटर से भाई, ये किलोमीटर से, ये फ्री इंस्पेक्शन जो अपनी तीन पहली फ्री सर्विस होती है, और ये किलोमीटर से 20 तो मतलब 20,000, 30 तो मतलब 30,000। टायर प्रेशर ये देखो इंस्पेक्ट होगा, और ओ से क्या था भाई, ओ से था अपना, ओ से देख लेते हैं, ओ से था रोटेट, टायर रोटेट होंगे और टायर प्रेशर चेक होगा हर 10,000 पे। जैसे 5,000 पे होगा, 10,000 पे, फिर 20,000 पे, तो ऐसे हर 10,000 पे टायर रोटेट होंगे और अपना एयर प्रेशर चेक होगा। एयर प्रेशर तो भाई वैसे भी पेट्रोल पंप एयर मिल जाती है। ऑल नट्स एंड बोल्ट टाइट होंगे। तो इस टाइप से भाई ये सारी चीजें आपके सर्विस मैनुअल में पहले से कंपनी प्रोवाइड करती है कि शोरूम वाले आपको ना लूट पाए। ये देखो भाई इस टाइप से बैटरी भाई आपकी हर सर्विस पे इंस्पेक्ट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जैसे हो गया भाई, ये आपके इंस्पेक्ट होंगे सिर्फ, कोई भी रिप्लेस नहीं होगा, तो ये इंस्पेक्ट होंगे आखिरी तक, और रिप्लेस तभी होंगे भाई जब आपको कुछ इनमें प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस टाइम पे रिप्लेस होंगे ये। इसमें फिर आपको नेक्स्ट चीज क्या मिल जाती है, आपको आपका इंजन ऑयल रिकमेंड जो कंपनी करती है वो मिल जाता है भाई। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 5W30 या 5W40। उसके बाद भाई इंजन ऑयल कैसे कैप खोलनी है, कैसे क्या करना है, चेक करना है, आपको घर पे भी कर सकते हो आप। कूलेंट का लो है, फुल है, उस टाइप से भाई, इस टाइप से भाई सारी चीजें आपको सर्विस मैनुअल में कंपनी पहले से प्रोवाइड करके देती है, बस आपको उनको ठीक से देखना होता है। ये आपकी प्ले कितनी होनी चाहिए उस टाइप से इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी, कैसे आपको चेक करनी है वो सब चीजें। ये टायर आपका रोटेट कैसे करना है आपको, उस टाइप की उससे रिलेटेड सारी चीजें दी हुई है। तो भाई ये सारी चीजें आपको इसी में मिल जाती हैं, उसके लिए आपको ये उनके सामने कंपनी वाले के सामने आप जब शोरूम में जाओ तो भाई उनको आप एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि मेरी चीज में ये, मेरी कार में ये सारी चीजें भी आपको इंस्पेक्ट करनी है या सारी चेक करनी है। उस टाइम पे मतलब आपको ये ना रहे कि यार मुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या किया है क्या नहीं करा, तो ये सारी चीजें आपको अपना होमवर्क घर से ही करके जाना है भाई। फ्यूज से रिलेटेड सारी चीजें भाई, फ्यूज बॉक्स होता है बोनट में, उसके लिए भी फ्यूज बॉक्स से रिलेटेड। तो ठीक है भाई, फिर इस वीडियो में इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं सर्विस पे जाने से पहले कि आपको अपनी कार में क्या सर्विस करवाना है क्या नहीं, क्या चीजें इंस्पेक्ट करवानी है क्या नहीं। ठीक है भाई, फिर इस वीडियो में इतना ही।